तो आज के अनबॉक्सिंग में निकले हैं अंदर से पक्के पॉपीज। जन बहुत प्यार कर रहा है इसको आराम से। तो देखो ओरियो को, देखो ओरियो भी देख रहा है। ओरियो कौन है ये? यो शिनचैन। शिनचैन तो घूम के देख रहा है इनको। ओरियो भी देख रहा है कि कौन है। ओरियो बहुत ज्यादा तंग करता है, तो ओरियो को हम दूर ही रख रहे हैं इन बच्चों से, ताकि ओरियो इनको डिस्टर्ब ना करे बार बार। ये इन सब में थोड़ा सा इनका सबका भाई है, बड़ा भाई है, बहनों का भाई है। शिनचैन देख, तेरे बच्चे हैं भाई, देख। Yo, what is up everybody? क्या हाल चाल? आज का व्लॉग आने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे कि आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि आज जो है, जो न्यू बॉर्न पपीज है जिनकी लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, उनको मैं अपने घर लेकर आ रहा हूँ। देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज जो ऑनर है पपीज के, यू नो, जो मतलब बिल्कुल मेरे पास करीबी ही हैं, बहुत साथ रहते हैं उनके, जो वो है, वो फिलहाल उनको कुछ देर के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है। और जो मम्मी है, जो मतलब पग है, जो मतलब बच्चों की, तो उसको अकेला घर पर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो मैंने उनको कहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों को यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, कि ताकि बच्चों को कोई, यू नो, दिक्कत ना आए, कोई भी, यू नो, कोई बाय चांस कोई प्रॉब्लम ना आए। सो मम्मी वहाँ पर है थोड़ी देर के लिए और मैं आधे घंटे के लिए उनको घर पर लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड करी जाए, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं उस वीडियो के नीचे कि भाई पपीज़ कहाँ है, पपीज़ को शो कीजिए, बहुत टाइम होगा पपीज़ नहीं देखे उन वाले। तो ऑलमोस्ट आज पपीज़ 11 से 12 दिन के हो चुके हैं, तो मैं उनको थोड़ी देर के लिए घर लेकर आया हूँ। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ, ओरियो का रिएक्शन देखे और शिनचैन का रिएक्शन देखे उन पपीज़ के लिए। सो ज़्यादा समय लेते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और कमेंट और शेयर, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ओरियो और शिनचैन का जो भी आजकल, यू नो, लॉकडाउन में खर्चा है, जो भी इनकी फीड है, सो खर्चा, यू नो, मैं कहाँ से कमा रहा हूँ। सो मैं एक ट्रेडिंग ऐप है, उससे मैं पैसे आजकल कमा रहा हूँ। तो मैं आपको ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। सो सबसे पहले मैंने बिनोमा ऐप को पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो जैसे हम बिनोमा ऐप खोलेंगे, सो उसके बाद जैसे ये ऐप खुलती है, उसके बाद आपके सामने ऐसे एक ग्राफ बना आ जाएगा और हमारे पास लास्ट में ये काउंटडाउन चल रहा था, इतना टाइम होता है हमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो हमें क्या बेसिकली इसमें प्रेडिक्ट करना है कि जो ये ग्राफ है, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इतने टाइम के अंदर। तो मेरे पास रियल अकाउंट में कुछ 31,101 रुपीज़ पड़े हैं। तो जैसे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये ग्राफ जो है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर मैंने अभी अपनी 7,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, जो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट है, 7,000 रुपये की करी है मैंने, कर दिया। एंड लेट्स सी ये ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 7,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी और मैंने अभी अर्न किए हैं 12,880 रुपये। और आप मेरे रियल अकाउंट में देख सकते हैं कि कितना इस टाइम फिलहाल बजट, मतलब जो है बैलेंस हो चुका है। सो कुछ इस तरीके से आप बिनोमो से अर्न कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है किस चीज़ की दे रही है। अगर आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको पैसे कमाने हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे ऐप को डाउनलोड करें। और आपको पहले डाउनलोड पे 100% बोनस मिलेगा, जो प्रोमो कोड दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप यूज़ करें। सो चलिए अब आपको मैं आगे वीडियो में लेकर चलता हूँ। फिलहाल मैं इनको घर लेकर आ चुका हूँ और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग किस चीज़ की। आप देख सकते हो 100% ब्लेंडर स्प्राइट। तो बेसिकली दारुनी है, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या है। सो फिलहाल जो आज अनबॉक्सिंग होने वाली है वो लेजेंडरी होने वाली है। आज से कभी किसी ने ऐसी अनबॉक्सिंग नहीं करी, और एक ये मजाक कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ कोई कमेंट में गालियाँ मत दे कि भाई क्या बातें बोल रहे तुम, इट्स जस्ट फॉर फन। सो आज की अनबॉक्सिंग में निकले हैं अंदर से पक्के पपीज। सो बेसिकली ये पक्के पपीज शिनचैन का फादर है, जो लास्ट आपने वीडियो देखी थी हमने एक पग फीमेल की, उन्होंने सर्जरी करवानी पड़ी थी हमारे को इनकी मम्मी की, इनकी वजह से कि ये अच्छे से, यू नो, हेल्दी इनकी डिलीवरी हो जाए। तो ओरियो और शिनचैन का रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। ओरियो और शिनचैन बहुत कोशिश कर रहे हैं, ओरियो शिनचैन तो स्पेशली कोशिश कर रहा है कि मैं अंदर ही घुस जाऊँ। शिनचैन रुक जाओ, अब ओरियो को देखो। तो मैं एक बार इसको ऊपर उठा लेता हूँ इनको, ताकि ये दोनों बच्चे तंग ना करें। तुम में से कई लोग कहेंगे कि भाई आपने इनको पेटी में क्यों रखा हुआ है। तो पेटी में रखने का सिर्फ एक यही रीज़न है, क्योंकि मेरे को इनको बाहर से लाना था, तो मैंने सोचा कि पेटी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अंदर आप पेटी में ला के इनको, अगर आपके पास पपीज़ हैं, आप फिलहाल के लिए पेटी में रख सकते हैं, क्योंकि छोटे पपीज़ हैं। और अगर मैं इनको खुला लेकर आता तो इनको धूप हवा कुछ भी लग सकती थी, तो फॉर दैट मैंने पेटी का इस्तेमाल किया है। और इन दोनों का रिएक्शन देखने वाला है, देखो ओरियो
अब मैं एक एक करके बच्चों को उठाता हूँ और इनके पास लेकर जाता हूँ और देखता हूँ शिनचैन और ओरियो का क्या रिएक्शन होगा। ये देखो ओरियो अपने जो उसके भाई लगते हैं कजन्स को कैसे देख रहा है और बड़े ध्यान से देख रहा है। अभी मैंने सिर्फ लाकिन को नीचे रखा है। ओरियो ओरियो कौन है ये? तो फिलहाल एक कॉपी मेरे हाथ में है जैसे कि तुम सभी देख सकते हो। तो लेट्स सी देयर रिएक्शन। शिनचैन का रिएक्शन आप देखो। अरे यार शिनचैन तो प्यार कर रहा है इसको। देखो शिनचैन बहुत प्यार कर रहा है इसको आराम से। तो देखो ओरियो को देखो, ओरियो भी देख रहा है। ओरियो कौन है ये? ओरियो को तो ना ये भाई लगता है। हाँ ओए हाँ अभी देख सकते हो कितने आराम से ये अभी नींद में। इनके भी आंखें नहीं खुली। सो बच्चों की ऑलमोस्ट 15-16 दिन की आंखें खुलती हैं जो भी हर एक ब्रीड के पपीज होते हैं। और कभी कभार जल्दी भी खुल जाती है। इट्स नॉट स्पेसिफिक कि हाँ 15-16 दिन लगेंगे। और थोड़ा सा मैं नीचे लेकर आता हूँ तो ओरियो का रिएक्शन देखो। ओरियो भी इसको मतलब प्यार कर रहा है। अब तक कुछ ओरियो का कोई ऐसे शरारत वाला रिएक्शन नहीं है। अरे भाई भाई भाई। सो फिलहाल ये दो पपीज और हैं और अब इन दोनों से ये देखते हैं शिनचैन और ओरियो का क्या रिएक्शन रहेगा। ओरियो शिनचैन शिनचैन तो घूम कर देख रहा है इनको। ओरियो भी देख रहा है कि कौन है। शिनचैन देख तेरे बच्चे हैं भाई। देख हाँ तेरे बच्चे हैं ये। ओरियो देखो ओरियो प्यार कर रहा है उसको। ओरियो प्यार कर रहा है। ओरियो इसको भी प्यार करो। ओरियो तो बड़ा समझदार हो गया भाई। ओरियो तो बच्चों को प्यार करता है, तंग नहीं करता। तो ये विराम से इनसे प्यार कर रहा है। सो अब जो है मैंने इन बच्चों को ऐसे नीचे रख दिया थोड़ी देर के लिए। और ये इन सब में थोड़ा सा इनका सबका भाई है, बड़ा भाई है, बहनों का भाई है। तो ये थोड़ा स्ट्रांग है। हाँ ओरियो कौन आया घर में? कौन आया घर में? गेस्ट आए हैं शिनचैन? घर में गेस्ट आए हैं? सब ये देखो ये प्यार कर रहे हैं दोनों के दोनों मिलके आराम से पपीज को। ओरियो के लिए तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है क्योंकि ओरियो ने कभी इतने छोटे बच्चे नहीं देखे होंगे जब से इसने होश संभाली है। तो ओरियो के लिए पहला एक्सपीरियंस है। और शिनचैन ने तो चलो ओरियो को भी देखा है छोटे होते हुए। तो अब ये आराम से यहाँ पर सो रहे हैं। सो ये फिलहाल इनका रेस्ट टाइम है। तो ये पूरे दिन तो वैसे बच्चे छोटे छोटे सोते रहते हैं और अभी ये कुछ नहीं हो रही लावा खा रहे। इनको थोड़ी सी मेडिकेशन जो है इनकी चल रही है और साथ ही साथ जो इनकी मदर जो मतलब जो भी दूध मतलब पिलाती वो हो रहा है। और ये भाई साहब आराम से देखना ये मेरा बच्चा। तो ये भाई साहब बड़े प्यार से सो रहे हैं और ये तीनों आराम से सो रहे हैं। तो वैसे इनमें एक और बच्चा है वो फिलहाल माँ के पास ही है। उसको मैं लेकर नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा वीक है। इस करके मैंने सोचा कि क्यों ना उनको माँ के पास रखे। और ये देखो ये भाई साहब देख के खुश हो रहे हैं और इनको बड़ा प्यार आ रहा है अपने भाइयों के ऊपर। ओरियो बहुत ज़्यादा तंग करता है तो ओरियो को हम दूर ही रख रहे हैं इन बच्चों से ताकि ओरियो इनको डिस्टर्ब ना करे बार बार। और शिनचैन भाई भी अब अंदर जा चुके हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ये एक्सपेरिमेंट करूँगा। ये मेरे भैया हैं मयंक भैया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ये भेजे हैं स्पेशली ओरियो के लिए। तो मैं इसको अगली वीडियो में पहना के देखूँगा कि ये कैसे लगते हैं ठीक है और क्या सूट करते हैं और क्या अगर नेक्स्ट में हम सजाएंगे अच्छे से। तो वो वीडियो के लिए आप ज़रूर वेट करेगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा देकर जब भी मैं वो वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वो वीडियो देख सकें। सो फिलहाल जो है और भी अभी मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलता हूँ। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, उसके बाद मैं बच्चों को घर वापस छोड़ कर आऊँगा। और आपने मुझे कहा था कि पुलकित भाई अपना वर्कआउट दिखाइए, तो आज शाम को मैं अपना वर्कआउट करूँगा। तो आज जो भी वर्कआउट रहेगा मैं थोड़ा सा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगा। देखो वो देखो वो देखो। अरे भाई बहुत क्यूट है। तो इनको इनके लिए कमेंट ज़रूर आपने करना है कि भगवान इनको तंदुरुस्त रखे, इनकी मम्मा को तंदुरुस्त रखे और ये अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सके। हाँ 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 हाँ। इन्हें अभी एक बच्चा हाथ में उठाया हुआ है। तो मम्मी आपने पहले तो नहीं इतना छोटा कभी पग देखा है ना 10 दिन का? इतना छोटा कभी भी नहीं देखा, ये पहली बार देखा है। बहुत डर लग रहा है इसको देख के। तो ये बड़े छोटे छोटे से बच्चे हैं और शिनचैन भाई तो डर कर अपने बच्चों से ही दूर हो गए हैं। शिनचैन यार ऐसे तुम तो बहुत अजीब से पापा हो यार। तुम तो नहीं पापा बन सकते, लायक ही नहीं हो यार। तुम तो बच्चों से दूर भागते हो, प्यार ही नहीं करते अपने बच्चों को। हैं इधर आओ मिलो इनसे। A few moments later.
तो अब जूते पाने का टाइम आया, तो अब ओरियो भाई जो है जूते पाने के नहीं दे रहे हमारे को। एक हाथ से मैं कैमरा संभाल रहा हूँ और एक हाथ से जूते पाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ओरियो जी आप हमें बिल्कुल भी वर्कआउट करने नहीं दे रहे, मुझे दिख रहा है। तो अगर हम जिम इक्विपमेंट्स की बात करें तो मेरे पास सिर्फ दो जिम इक्विपमेंट्स हैं। एक फ़िलहाल घर पर मेरे पास एक साइकिल जो कि बहुत पुरानी है, देख ही सकते हो उसकी कंडीशन तो बहुत पुरानी है, और दो मेरे पास डंबल हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों से मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ जो पिछले ऑलमोस्ट 2 वीक से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ बिफोर वर्कआउट, मैं जो प्री वर्कआउट है वो मैं एक एक बनाना ले लेता हूँ, ठीक है। बनाना बहुत हेल्प करता है, अगर आपको एक्सरसाइज के बिटवीन मतलब आपको एनर्जी चाहिए तो बनाना बहुत अच्छा सोर्स है प्री वर्कआउट जो मुझे लगता है। और साथ ही साथ मैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी यूज़ करता हूँ, बट वो क्या होता है पार्ट बॉडी पार्ट कौन सा ट्रेन करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो 15 मिनट्स ऑफ कार्डियो जो है मैं स्टार्टिंग में करता हूँ बिफोर वर्कआउट, जो उससे मेरे को वार्म अप में बहुत हेल्प करता है। तो आप भी 15 मिनट पहले कार्डियो कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और याद रखिए वर्कआउट से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग बिल्कुल ज़रूरी है, आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए कि आपको कौन सा बॉडी पार्ट आज ट्रेन करना है। वर्कआउट में कमी निकालेंगे तो मैं इतना बताता हूँ कि यार जितनी मूवमेंट मैं कर रहा हूँ इतनी मूवमेंट में मेरा जो मसल है वो बिल्कुल अच्छे से स्क्वीज हो जाता है। तो आप अपने ट्रेनर के हिसाब से चलो, अगर आपका ट्रेनर ने कोई आपको ट्रेनिंग पोर्शन ट्रेनिंग सेट्स वगैरह बताया हो तो आप उनके हिसाब से चले। सिर्फ ये मेरे वीडियो का मोटिव था। लास्ट वीडियो में बहुत कमेंट आया था कि पुलकित भाई आप अपना वर्कआउट दिखाओ कैसे करते हो, तो ये मेरा वर्कआउट कुछ ऐसा रहता है। और अब फिलहाल वर्कआउट ख़त्म करता हूँ जल्दी से और वीडियो की एंडिंग करता हूँ। आजकल आफ्टर वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट कहते हैं, मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ, मेरे पास पड़ा था लॉकडाउन में, मैं कुछ टाइम वर्कआउट नहीं करा, बट अब मैंने वर्कआउट शुरू करा है तो मैं एक स्कूप वे प्रोटीन का लेता हूँ। ये फिलहाल मेरे पास आइसोलेट है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 300 पानी के अंदर एक स्कूप वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट। सो ये तो कुछ मेरे वर्कआउट के रूटीन के बारे में था। अगर आपको मेरी डाइट के बारे में जानना तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ डाइट के बारे में भी रिलेटेड बताऊंगा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डाइट में क्या कंज्यूम कर सकते हैं स्पेशली फॉर गेनिंग मसल गेनिंग, ठीक है। सो कमेंट जरूर करिएगा। सो विद दैट करता हूं मैं आज के ब्लॉग का एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में जो ओरियो के साथ हम मस्ती करने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।